अति मानुष, यही वो तीन शब्द हैं जिन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 2011 में एक बड़ी जीत दिलाई थी। और तीन दशकों से ज्यादा तक बंगाल पर राज करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी का सफाया किया था। अब 2016 है, एक बार और विधानसभा चुनाव होने हैं, एक बार फिर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस मैदान में है। तो आज के इस शो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि माँ माटी मानुष, ये जो तीन शब्द ममता बनर्जी 2011 के चुनाव में लेकर आई थी, वो कितने कारगर हुए। क्या इस बार भी चुनाव में ममता बनर्जी उसी स्लोगन के साथ उतरती हैं या वो कुछ नया लाती हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज के इस शो में। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव इस वक्त परवान पर हैं और ऐसे में जनता को लुभाने के लिए हर राजनीतिक पार्टी पुरजोर कोशिशों में जुटी है। बंगाल में तीन दशकों से ज्यादा राज करने वाली लेफ्ट फ्रंट हो या 2011 में सत्ता पर आने वाली टीएमसी या फिर बीजेपी, हर राजनीतिक पार्टी इस वक्त जनता को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव इस वक्त अपने पूरे चरम पर है, हर राजनीतिक पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बात चाहे तीन दशक से ज्यादा तक बंगाल पे राज करने वाली लेफ्ट पार्टीज की हो, तृणमूल कांग्रेस की हो जिसने 2011 में जीत दर्ज की, या फिर रैलियों पर रैला लगाने की उम्मीद से इस बार मैदान में उतर रही बीजेपी की हो, हर पार्टी बंगाल के लोगों को रिझाने के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई है। माँ माटी मानुष, ये वही तीन शब्द हैं जिसने ममता बनर्जी को 2011 में बड़ी जीत दिलवाई। ये शब्द बाण सीधे लोगों के दिलों को लगा, तीन दशकों से ज्यादा राज करने वाले लेफ्ट फ्रंट का सफाया कर दिया। लिहाजा इस बार भी ममता बनर्जी इसी शब्द बाण के साथ मैदान में उतरेंगी, लेकिन क्या इसका फायदा टीएमसी को मिलेगा? माँ माटी मानुष पर रियलिटी चेक करने के लिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जानते हैं हकीकत। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वर्तमान सरकार से जहां कई लोग खुश दिखे, तो कई लोगों की उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतर पाई। सस्ता में राशन देता है, चावल देता है, गेहूँ देता है, वो स्कूल बना दिया, गरीब लड़की लोग को स्कूल को साइकिल दिया, ऐसा स्ट्रीट लाइट अच्छा कर दिया। ममता आने के बाद, ममता जी के आने के बाद बहुत डेवलपमेंट हुआ, लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और डस्टबिन्स और वाटर सप्लाई भी, और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से थोड़ा कम चल रहा है, बट मेट्रो भी काम में चल ही रहा है, ट्रैफिक्स बहुत अच्छे हो गए, मेंटेन हो गए। मेरे को लगा रोड में बहुत चेंजेज है, इधर से उधर मैं जा रहा था तो चेंजेस लगा, मॉल्स लगा, यहाँ काफ़ी डेवलप हुआ है यहाँ पे। जैसे कि तृणमूल आने के बाद या सीपीएन जब था तो हम लोग का बहुत हैरेसमेंट था, अभी हैरेसमेंट का बात नहीं है, हम लोग अभी थाना से जीता है, थाना से हम लोग का भी सेडिंग है, ऐसा गरीब के लिए सबसे हम लोग के लिए तृणमूल कांग्रेस हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। अच्छा, अभी कुछ किया? हाँ, बहुत किया। अच्छा, हम लोग के लिए बहुत किया है, किसक लिए क्या, बहुत किसको क्या क्या, उस लोग हम लोग उसको वोट भी देंगे, फिर भी मुख्यमंत्री बनेगा, हम लोग बहुत भी खुशी है। माँ माटी मानुष में सबसे पहले जो शब्द आता है वो है माँ। साल 2011 में सत्ता में आने पर ममता दीदी ने राज्य की औरतों को सुरक्षा प्रदान करने, लेकिन क्या ममता दीदी इस पर अमल कर पाई हैं? ये जानने की कोशिश की हमारी रिपोर्टर गीतिका ने। माँ माटी मानुष में पहला शब्द है माँ का। जी हाँ, 2011 के चुनाव में ममता बनर्जी ने राज्य को जननी का दर्जा दिया था और यहाँ की महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा किया था। महिलाएं कितनी सुरक्षित हुई, कितना सेफ वो अपने आप को महसूस करती हैं, जानने की कोशिश करेंगे पश्चिम बंगाल की महिलाओं से। आप कोलकाता में रहती हैं, आपको क्या लगता है महिलाएं यहाँ पर कितनी सुरक्षित हैं? क्योंकि ममता बनर्जी की जब सरकार बनी थी तो उन्होंने बोला था कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, तो क्या सुरक्षित हुई है महिलाएं? दैट सिक्योरिटी फीलिंग इज नॉट इन आवर माइंड एट ऑल।
because in our campuses or whenever we talk about security, we don't feel like going out. We don't feel like sending our girls or daughters alone outside. So we don't, that security feeling is not within us. The people are not out here, they're not free, especially the women out here, because whatever the clothes, especially the clothes matters here. That whatever the people they want to wear, like, you know, especially the women's, whatever they're wearing and all. So still the women are not protected. If they're wearing, for example, an Indian sari, if they're wearing, in that also they are not protected because they are harmed in that, rape cases, all corruptions and all are going out. अच्छा 2011 के बाद जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है तो उन्होंने बोला था कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी तो क्या उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई? हाउ मच आई फाइंड, मुझे लगता है कि नहीं हुआ है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है. अगर ममता बनर्जी आने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, मुझे इतना महसूस हुआ है, इतना फील हुआ है, क्योंकि उसके आने के बाद ममता बनर्जी आने के बाद भी ऐसा लगता है कि और मोर वर्स होते जा रहा है. Okay, the world, especially the world is becoming more horrible. कितनी सुरक्षित हुई महिला? सुरक्षित तो ठीक ही है, सुरक्षित कोई खराब चीज नहीं है, खराब भी सेफ्टी में है, मगर पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स में थोड़ा दिक्कत हो जाता है लेडीज लोगों को, यही बात है. तो महिलाएं अगर रात को निकलना चाहें तो वो क्या फ्रीली निकल सकती हैं? नहीं नहीं, वो सुरक्षित अभी तक नहीं हुआ. आपको कितना डर लगता है रात में निकलने में? रात में निकलने के डर को बात कोई नहीं, मैंने क्या कभी हो जाएगा बोल नहीं सकता, यही बात है. अब हम 100% में से अभी 90% तक हो नहीं सकता है, हुआ नहीं है. जितना होना चाहिए था, मतलब जितना हम लोग एक्सेप्ट करते हैं उतना हुआ नहीं है. तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं, आफ्टर ऑल नहीं है, जिस हिसाब से चाहिए सुरक्षित उस हिसाब से नहीं है. किसी भी समृद्ध राज्य की निशानी है वहाँ की जनता खुश हो, सुरक्षित हो और लोगों के लिए कारोबार के अच्छे साधन हो. और इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीएमसी ने भी साल 2011 के चुनावों से पहले व्यवसायियों के हित में काम करने की बात कही थी. ममता की इसी बात पर विश्वास जताते हुए लोगों ने उन्हें राज्य की सत्ता सौंपी. लेकिन इन 5 सालों में क्या ममता दीदी यहाँ के व्यवसायियों के हित में काम करने में कामयाब हो पाई हैं? माँ माटी मानुष में दूसरा शब्द आता है माटी. जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जिसका कारण है बंगाल की खाड़ी से इसकी नज़दीकी. ये बंगाल की खाड़ी एक बड़े क्षेत्र में बंगाल से, वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है और यही वजह है कि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है. इसके साथ मैं आपको बता दूं कि बंगाल कारोबारियों की भी पहली पसंद रहा है. अगर हम कलकत्ता की बात करें तो मैं इस वक्त कलकत्ता के गरियाहाट मार्केट में हूँ, जो कि बहुत पॉपुलर मार्केट है. और यहाँ के व्यवसायियों पे कितना असर पड़ा है ममता बनर्जी की सरकार का, क्योंकि मैं आपको बता दूं 2011 में जब माँ माटी मानुष का नारा दिया था ममता बनर्जी ने, तो उन्होंने यहाँ की धरती को इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बात की थी, कारोबारियों के उन्नति की बात की थी, व्यवसायियों के फेवर में कई काम करने की बात की थी. तो वो काम हुए या नहीं हुए, इस मार्केट में हर छोटे बड़े व्यवसायी से जानने की कोशिश करते हैं. माटी के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की थी, व्यवसायियों की बढ़ोतरी की बात की थी, कुछ विकास हुआ है या नहीं व्यवसायियों का? कुछ नहीं, विकास क्या होगा, विकास नहीं हुआ. 2011 के पहले आपकी दुकान कैसी थी, अब कैसी? बस ऐसी था, ऐसी भी है. कुछ विकास नहीं? कुछ नहीं. तो जैसे कि हम लोग का जो हकार लोग का है, हम लोग का है, जैसे हम लोग का फैसिलिटी नहीं था. हम लोग का 5 साल में ममता बनर्जी आने के बाद हम लोग को बहुत फैसिलिटी मिला है. हम लोग का जैसे कि तृणमूल आने के बाद या सीपीएन जब था तो हम लोग का बहुत हैरेसमेंट था. अभी हैरेसमेंट का बात नहीं है. हम लोग अभी थाना से जीता है, थाना से हम लोग का अभी सेलिंग है. ऐसा गरीब के लिए सबसे, हम लोग के लिए तृणमूल कांग्रेस हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा. व्यवसायियों के उत्थान की काम? नहीं नहीं, उत्थान तो किया है, इसलिए हम लोग का जैसे काट किया है, जैसे आप लोग का यहाँ पर आप लोग के लिए मेडिकल किया हुआ है, हकार के लिए आप लोग का जी हम लोग लाइसेंस दिया हुआ है. इसलिए मैंने अगले इलेक्शन के बाद हम लोग का इंस्टॉल करने का बात चल रहा है, हकार लोग का इंस्टॉल. क्या लगता है ममता बनर्जी की सरकार आएगी? तो होना चाहिए, इतना कुछ कर रहा है उसके लिए तो सरकार होने का उचित ही है. हमारे कथा हम फायदा किचुई है, खाली
একটার পর একটা উনি ইয়ে করেই যাচ্ছে, এটা হবে ওটা হবে ওটা হবে, ফায়দা তো এই পাঁচ বছরে এখনো কিছুই হয়নি। না না, ব্যবসাতে তো কোনোই ফায়দা হয়নি। আমলোক বাজার এসেই খারাপ হ্যাঁ, চৈত্র মাসে যা সেল হতা থা ও সেল নেই, 50% সেল কম হ্যাঁ, এসলে মার্কেট বহু ডাউন চল রা হ্যাঁ। তো মমতা ব্যানার্জি সরকার বনি হ্যাঁ, তো কুছ ব্যবসায়ীয় কে লোগোনে বোলা থা কুছ করেঙ্গে, কুছ কিয়া উন্হোনে? করেগা, বোলা হামলোগো, হামলোগো আশা হ্যায় করেগা দিদি। পাঁচ সাল মে কুছ কিয়া? হ্যাঁ, বহুত কিয়া। আচ্ছা, হামলোগ কে লিয়ে বহুত কিয়া হ্যায়, কিসক কিসক লিয়ে কিয়া, বহুত কিছু কিয়া কিয়া, উসসে লোগ হামলোগ উসকো ভোট ভি দেঙ্গে, ফির ভি মুখ্যমন্ত্রী বনেগা, হামলোগ বহুত ভি খুশি হ্যায়। হামলোগো কা দেখিয়ে, জেসে ये फुटपाथ में धंधा करने में थोड़ा सुविधा है, जैसे पहले जैसे था ना उससे अच्छा ही है। पहले सीपीएम का अमल में जैसा था, थोड़ा सा माने हम लोगों का ऊपर माने जैसे महीना में 2-3 केस होता है, जैसे 100 रुपया देना पड़ता है। अभी जैसे इज्जत से आता है, हम लोग देता है, वो भी देता है, मगर अभी बहुत ठंडा है, उतना ऐसा नहीं, पहले जैसा ऐसा नहीं है। जैसे हम लोगों का ऊपर प्रेशर कम है, जैसे हम लोग प्यार से धंधा कर सकता है, ऐसे में धंधा करने में अच्छा है। ये बात ऐसा बात नहीं है कि ये पहले जैसा ऐसा जुलुम नहीं है, इतना सा हम बता दे सकते। अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए अब हम आ पहुँचे हैं कुछ ऐसे लोगों के पास जिनसे ममता दीदी ने कई वादे किए, लेकिन क्या वो वादे पूरे हो पाए हैं? माँ माटी मानुष में आखिरी शब्द आता है मानुष का। जी हाँ, ममता बनर्जी की सरकार ने 2011 में जो वादे किए थे वो आम जनता तक पहुँच पाए या नहीं, आम जनता को, आम मानुष को उसका फायदा हुआ या नहीं, ये आम जनों से, वेस्ट बंगाल के आम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। यस, मानुष के लिए बहुत काम किया, जो हकीकत में गरीब आदमी है गांव में, ये में वो लोग का सस्ता में राशन देता है, चावल देता है, गेहूँ देता है, वो स्कूल बना दिया गरीब लड़की लोग को, स्कूल का साइकिल दिया, ऐसा स्ट्रीट लाइट अच्छा कर दिया, रास्ता रास्ता कर दिया, बहुत पुल बनाया, जाने आने का बहुत सुविधा कर दिया। हाँ, ममता बनर्जी हकीकत में माँ माटी मानुष जो स्लोगन दिया उसी का एकदम, माँ माटी मानुष के लिए बहुत काम किया, जो हकीकत में गरीब है, दोज हु आर बिलो पॉवर्टी लेवल, ही हैज डन एनफ फॉर देम। बहुत डेवलपमेंट हुआ, लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और डस्टबिन और वाटर सप्लाई भी, और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से थोड़ा कम चल रहा है, बट मेट्रो भी काम में चल ही रहा है, ट्रैफिक्स बहुत अच्छे हो गए, मेंटेन हो गए, तो मेरे हिसाब से अच्छा काम चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट भी ममता बनर्जी आए। आया हूँ बहुत साल बाद, 2-3 साल ये के बाद काफ़ी चेंज लगा। मैं बेसिकली यहीं से पढ़ा लिखा हूँ, सारा कुछ बीबीए यहीं पे किया। आफ्टर 2 साल बाद मैंने आया, देखा यहाँ पे बहुत सारा चेंजेस आया मेरे को, मेरे को लगा रोड में बहुत चेंजेस है, इधर से उधर मैं जा रहा था तो चेंजेस लगा, मॉल्स लगा, यहाँ काफ़ी डेवलप हुआ है यहाँ पे। कोलकाता में हमें कई लोग ऐसे भी मिले जो टीएमसी के खिलाफ बोलने से कतराते नजर आए, हालांकि कैमरे के पीछे वो ये कहने से नहीं चूके कि राज्य में कोई खास काम नहीं हुआ है। तो 2011 से लेकर आज तक माँ माटी मानुष का ये स्लोगन तृणमूल के लिए कितना कारगर रहा, यहाँ के लोगों को इससे कितनी सफलता मिली, ये आपके सामने है। जहाँ कई लोगों के चेहरे पे खुशी है तो वहाँ कईयों के चेहरे पे उदासी भी है, लेकिन यही स्लोगन है जिससे ममता बनर्जी ने इस बार भी इस्तेमाल किया है। इस बार भी माँ माटी मानुष के स्लोगन के साथ ही तृणमूल पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है। अब इसका असर कितना होगा चुनावी मैदान में, तृणमूल कांग्रेस को इस स्लोगन से जीत मिलती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैलकाटा से तन्मय के साथ गीतिका वर्मा, इंडिया 24/7 के लिए।